देश में 1975 में लगे आपातकाल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंबाला छावनी के लॉर्ड महावीर जैन स्कूल में काले दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ उपस्थित रहे। इस दौरान आपातकाल में सरकार के खिलाफ जंग लड़ने और गिरफ्तारियां देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल व पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा, प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय शर्मा सहित कई अन्य मौजूद रहे। सम्मान साबित हुआ कि जब तक दबाए रखा लेकिन जनता ने जब बाउंस किया तो उनके माथे के ऊपर आकर और उस कांग्रेस की पूरी सरकार को हिलाने का, उसकी जड़ों को हिलाने का काम किया। आज मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज हम सब तो उनके सबके जो वृतांत हैं उनको सुनने के लिए आए हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो केवल अपनी बात कहने के लिए आया था। और इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि उन सब तपस्वियों को, उन सब राष्ट्र प्रेमियों को आज हमें नमन करना चाहिए। और हम हर वर्ष 25 जून का जो काला दिवस है, क्योंकि जो राष्ट्र प्रेमी हैं जिन्होंने इस चीज को झेला है, जिनके परिवारों ने उन सांत्वना उन बुरी जो मैं कहूंगा घटनाओं को देखा है, जो साक्षी रहे हैं, तो उन सबको भी आज सांत्वना मिलती होगी कि आज कांग्रेस अपनी गलतियों खामियाजा भुगतते हुए सिमट के रह गई है। तो मैं पुनः उन सब महान विभूतियों को नमन करता हूं और जिनकी वजह से आज हम सब लोग एक उस काले अध्याय की बजाय आज हम सब एक आजादी के बाद भी जो गुलामों जैसा हमारा वातावरण देश में था उसे निभाने में, स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद एक जो दूसरी लड़ाई और 1975 में इन राष्ट्र प्रेमियों ने लड़ी, मैं उनकी इस लड़ाई को, उनकी उस भावना को नमन करता हूं। धन्यवाद। एक काला अध्याय इस लोकतंत्र का और उसके साक्षी भी हमारे बीच में कई महानुभाव बैठे हैं। हमारा संविधान है, जो हमने संविधान बनाया है उसके तहत हम अपने शासन चलाएंगे और लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे और उनकी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने उन सारे अधिकारों को रोक दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और इस बात को हमेशा याद रखना कि लोगों की कुर्बानियों के कारण, लोगों के संघर्ष के कारण, जनता की आवाज के कारण इमरजेंसी तो 1977 में खत्म हो गई, लेकिन वो तानाशाही की भावना कांग्रेस में आज भी जिंदा है। अफसोस होता है आज जब उसी परिवार के लोग, उसी पार्टी के लोग प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, जिन्होंने प्रजातंत्र को पैरों के नीचे रोक दिया, अखबारों को खबर छापने का अधिकार नहीं था उस वक्त, अखबार में वही खबर छपती थी जिसको प्रशासन इजाजत देता था। हमने देखा कि अखबार आती थी, बीच में से उसकी कई खबरें पेज ब्लैंक हुआ करते थे, उसमें से वो खबरें उठा ली जाती थी, किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। वैसे जनसंख्या नियंत्रण अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन इमरजेंसी में जिस जालिम तरीके से कांग्रेस ने इसको चलाया, जबरदस्ती लोगों को उठा लिया जाता था और उनकी नसबंदी कर दी जाती थी, हमने अपने आंखों से देखा कि जब अधिकारियों की गाड़ियां आया करती थी तो लोग छुप जाया करते थे।
कि कहीं जबरन उठा ना कर ले जाएं, और जबरन उठा के ले जाते थे और उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। कई बार तो अपना आंकड़ा पूरा करने के लिए ऐसे लोगों की भी नसबंदी कर दी गई जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। इस प्रकार के जुल्म हिंदुस्तान में इस कांग्रेस पार्टी के राज में हुए। देश जब आजाद हुआ तो इस बात की चिंता थी कि कौन सी शासन पद्धति को अंगीकार किया जाए। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट।